बीते हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट में 4.25% कटौती का ऐलान किया था। इस फैसले का फायदा सबसे पहले देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ग्राहकों को देने जा रहा है। इस साल का कुल मिलाकर ये तीसरा मौका था जब आरबीआई ने 4.25% रेपो रेट घटाया था, यानी रेपो रेट 0.25% कम होकर 9 साल के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन इस कटौती के मुकाबले बैंकों ने ब्याज दरों में मामूली कमी की है। होम लोन ग्राहक भी बैंकों के इस रवैये से परेशान है। 3 बार से आरबीआई जब भी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है तो उसमें रेपो रेट में कमी लाता है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिलता दिख रहा है। ना तो हमारी ईएमआई कम होती है, ना कहीं भी महंगाई में इसकी कमी दिख रही है। अभी हमने न्यूज में सुना है कि एसबीआई इसका लागू करने जा रहा है, जो भी क्रेडिट पॉलिसी आएगी, जो भी उसमें कमी आएगी उसके हिसाब से वो लोन का जो ईएमआई कम कर देगा, लेकिन कब कम करेगा, कैसे कम करेगा, इसकी जानकारी कहीं भी है नहीं। नॉर्मल पर्सन अगर मैं अपना बजट प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे उसमें ये कुछ नहीं है कि मुझे अपना जो बजट है वो रेपो रेट कम हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। मैं जो भी प्रोडक्ट बाय करने जा रही हूँ उसका रेट वहीं पे ही है। एक मेरे को अपने बजट के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, मैं रेपो रेट कम होने की वजह से मेरा कुछ सेविंग बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उद्योग जगत का भी कहना है कि रेपो रेट में कटौती का फायदा तभी मिलेगा जब बैंक अपनी ब्याज दरों में रेपो रेट के अनुपात में कटौती करेंगे। अब इन सब के बीच एसबीआई ने अपने होम लोन रेट को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से एसबीआई का होम लोन रेट रेपो रेट से लिंक हो जाएगा। अभी बैंक की ब्याज दरें मिनिमम कॉस्ट लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर के आधार पर तय होती हैं। इसे बदलकर अब रेपो रेट को आधार बनाया जाएगा। हालांकि बैंक की तरफ से अभी ये खुलासा नहीं किया गया कि रेपो रेट पर आधारित 1 जुलाई से लागू होने वाले होम लोन रेट क्या होंगे, लेकिन बैंक से जुड़े लोगों के मुताबिक फिलहाल रेपो रेट 5.75% है। ऐसे में बैंक इसके ऊपर अपना मार्जिन भी रखेगा, यानी एसबीआई का होम लोन रेट 8% या 8.25% हो सकता है। फिलहाल एसबीआई का एमसीएलआर 8.45% है और बैंक की ब्याज दरें एमसीएलआर से कम नहीं हो सकती, यानी रेपो रेट से होम लोन रेट लिंक होने पर ग्राहकों को फायदा तो मिलना तय है, लेकिन ये फायदा उतना बड़ा भी नहीं होगा कि ग्राहकों की ईएमआई एक साथ काफी कम हो जाए। होम लोन ग्राहकों का मानना है कि एसबीआई के इस फैसले से कोई खास फायदा होता नजर नहीं आता। कि आरबीआई ने अभी 3 बार अपने बैंक रेट्स कम किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कमर्शियल बैंक अपने रेट्स कम नहीं कर रहा, जिस वजह से जो भी हमारे पब्लिक है, आम जनता, उन लोगों को जो पर्सनलाइज लोन या फिर जो भी लोन उठाने हैं उसमें आज भी वही इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है जो कि उनको पहले था। सो इसके तरफ कमर्शियल बैंक ने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। एसबीआई कह रही है कि वो अपने यहाँ पे फंड लिक्विड करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद आम पब्लिक तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, कमर्शियल बैंक ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है जो नॉर्मल पीपल हमारे जो हैं, आम जनता है, उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कोई भी लोन लेते हैं वो, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उन्हें उसी रेट पर लोन लेना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कमर्शियल बैंक थोड़ा इनिशिएटिव ले, जो हमारे नॉर्मल पीपल हैं, आम जनता है, उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल पाए। खैर, इस पर छाई धुन तो एसबीआई के इस मुद्दे पर सर्कुलर सामने आने के बाद ही छट पाएगी, लेकिन अभी अनुमान है कि यह फायदा भी बैंक केवल नौकरी पेशा लोगों को ही देने पर विचार कर रहा है। दरअसल एनपीए से परेशान बैंकिंग सेक्टर का मानना है कि वेतन भोगी लोगों से कर्ज वसूलना कारोबारियों के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। कारोबारियों को कर्ज देने में ज्यादा जोखिम होता है, वही नौकरी पेशा लोगों को कर्ज देने में ये जोखिम कम हो जाता है। इसके साथ ही किसी भी लोन की ब्याज दरें इस बात से भी तय होती है कि कर्ज लेने वालों का रिकॉर्ड कैसा है। अगर उसका सिविल स्कोर अच्छा है तो किसी तरह की शिकायत लोन चुकाने में नहीं रही है, तो उसे 0.5% की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है।